नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश की तमाम बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। पीएम मोदी ने सूरत अहमदाबाद मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे फेज का शुभारंभ किया। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की रैली, कहा हम किसानों के साथ, कानून वापस ले केंद्र। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के उद्घाटन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हमारे देश में जितने सड़क हादसे हो रहे हैं उसमें देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी के 3% का नुकसान होता है। नंदीग्राम में चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, शुभेंदु के गढ़ में रैली कर दिखाई ताकत। ड्रग केस में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान न्यायिक हिरासत में भेजे गए। अटारी बॉर्डर पर 26 जनवरी को नहीं होगा बीएसएफ का रिट्रीट सेरेमनी, कोरोना की वजह से फैसला। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, मुझे कोरोना टीका से कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, कहा कानून व्यवस्था देखना पुलिस का काम। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर बोले सीजीआई, दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं ये पुलिस तय करेगी। चंडीगढ़ पंजाब बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। अमृतसर के भंडारी पुल पर कृषि से जुड़ी महिलाओं ने कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके महिला किसान दिवस मनाया। राजधानी दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं की कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुले। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए का चेक भेजा। इसी के साथ ही पीएम मोदी को पत्र लिखकर विश्व हिंदू परिषद से पुराने चंदे का लेखा जोखा जनता के सामने पेश करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गनौरी ताता गाँव में आजादी के बाद पहली बार पहुंची बिजली, लोगों में खुशी की लहर। वेब सीरीज तांडव को लेकर मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखा पत्र। वेब सीरीज तांडव के मामले मुंबई रवाना हुई यूपी पुलिस की टीम, डायरेक्टर से करेगी पूछताछ। पाकिस्तान में सिंध को अलग देश बनाने की मांग तेज, पीएम मोदी के पोस्टरों के साथ सड़कों पर उतरे लोग। विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा के सभी प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन, मुख्यमंत्री योगी रहे मौजूद। वेब सीरीज तांडव से आपत्तिजनक दृश्य और डायलॉग हटाने का मायावती ने किया समर्थन। मुरादाबाद में वैक्सीनेशन के बाद मौत पर सीएमओ का बयान, कहा हार्ट अटैक से गई है वार्ड बॉय की जान। फिलहाल अभी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विद्रोही आनंद। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।